गाइस, मैं हूं सुमित डेरो। आप सभी का स्वागत है एक और बार फिर से टेक केयर फॉर यू के एक और नए टेक के फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, एप्पल की तरफ से आपको एक और नया प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि है बीट्स स्टूडियो बड्स, जो कि है ट्रू वायरलेस नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन्स। वो भी अलग अलग तरह के कलर्स में आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम पे। फिलहाल तो रेड कलर का अपने सामने अवेलेबल है, जो कि वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नया एक प्रोडक्ट एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है फिलहाल, और इसकी सेल्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो वो स्टार्ट होगी रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 जून के बाद से शिपिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, सेल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ अगर अपन इस ईयरफोन्स की बात करें तो ये एंड्रॉयड प्लस एप्पल सिस्टम दोनों में ही आपको ये कनेक्शन इसका देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से अपन इसे कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, एप्पल का प्रोडक्ट एंड्रॉयड के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अपन डिज़ाइन और क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी एंड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीट्स यहाँ पे आपको जो बीट्स वाटू वायरलेस नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल जाएगा, जो कि कंटिन्यूसली ब्लॉक करता रहेगा अनवांटेड आउटसाइड नॉइस को, साउंड्स वगैरह को, जहाँ से कि आपको सुनने की और जो आप बात कर रहे हैं कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई वॉइस टास्क कर रहे हैं या फिर आजकल वॉइस टाइपिंग काफ़ी पॉपुलर है, तो वो सब चीज़ें कर रहे थे, उसमें आपको सहायता मिलेगी, मदद मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे से। और एप्पल के प्रोडक्ट भी कुछ इसी तरीके से क्वालिटी को ध्यान रखते हुए, थोड़ी ज़्यादा ही क्वालिटी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये तो अपन सबको पता ही है। इसी के साथ बैटरी बैकअप की बात करें, पावर बैकअप की बात करें तो लगभग 8 घंटे तक आपका इस यहाँ पर लिसनिंग टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे कुछ कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है इन ईयरबड्स को लेकर, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर अपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कि आपके ड्यूअल बीम फॉर्मिंग माइक्रोफोन्स, जो कि स्पेसिफिकली टारगेटेड रहते हैं, अब टारगेटेड है ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपके वॉइस को फिल्टर कर देती है जो विंड के साथ जो भी मिला के एक्सटर्नल, जो बेसिकली ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो नॉइस को हटाने का है, आपको क्लियर क्रिस्प साउंड एक्सपीरियंस वगैरह इस हेडफोन्स की, इस ईयरफोन्स की मदद से देने की कोशिश करती है कंपनियाँ। तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, सिंपली हे सीरी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपके स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होती है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। और ये कंपैटिबिलिटी की बात करें तो एंड्रॉयड प्लस एप्पल दोनों ही जगह इसका आपको कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन और कमाल की बात है। एप्पल के प्रोडक्ट आपको आप बेसिकली अगर अपन बात करें तो एक तरीके से एंड्रॉयड पे भी देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। एप्पल का प्रोडक्ट आपको एंड्रॉयड के लिए देखने को मिल जाता है। और अगर अपन यहाँ पे कुछ और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कस्टम अकॉस्टिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको पावरफुल बैलेंस साउंड वगैरह देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको बेस कहले या फिर ट्रेवल जो कुछ भी होती है साउंड की चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से बैलेंस आपको देखने को मिल जाती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो इससे आपको जो भरभराता है कई बार अपन म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं वो सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग जो कि काफ़ी मस्ट है, काफ़ी नीडेड है आज के टाइम पर, वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से ब्लॉक कर देता है एक्सटर्नल नॉइस को। और जी का आपको यहाँ पे आपको सिंपल वन टच पेयरिंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप दोनों ही एप्पल प्लस एंड्रॉयड दोनों ही डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। और आने वाले टाइम पे रिव्यूज़ भी अपन इसके देखेंगे कैसा क्या ये परफॉर्म करता है जब मार्केट में अवेलेबल होता है। इसी के साथ हाई क्वालिटी कॉल परफॉर्मेंस आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कि आपको ड्यूअल बीम फॉर्मिंग माइक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बाहर के वो जो फिल्टरिंग कर देता है, बाहर की विंड जो है उस सब नॉइस वॉइस को फिल्टर करके आपको अच्छे तरीके से अच्छा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। IPX4 रेटेड आपको स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट वायरलेस ईयरबड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ही आपको जो ईयरबड्स के जो टिप्स हैं वो आपको 3 साइजेस में देखने को मिल जाते हैं, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। तो SML यहाँ पे आपको कुछ फीचर इस तरीके से प्रोडक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है, तो आपके कान में आसानी से ईजिली फिट हो जाएंगे ये। इसी के साथ आपको लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चल रही है उसका ब्लूटूथ और वायरलेस वगैरह फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको एक्टिव सीरी हैंड्स फ्री आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जस्ट आफ्टर सेइंग
सीरी, इस तरीके से कुछ आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल चार्जिंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर अपन इस बॉक्स की बात करें, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो वही नॉर्मल सी आपको चीजें देखने को मिल जाती है एप्पल की तरफ से। यहाँ पे बीट्स स्टूडियो बड्स, यूएसबी टाइप सी टू सी चार्जिंग केबल, क्योंकि यूएसबी टाइप सी काफी ज्यादा यूज करता है एप्पल। इसी के साथ ईयर टिप्स आपको तीन तरह के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसएमएल स्मॉल मीडियम लार्ज। इसी के साथ क्विक यूजर गाइड और भी लोगो स्टिकर्स वगैरह और वारंटी कार्ड। तो कुछ ओवरऑल इसी तरीके का आपको पैकेज देखने को मिल जाता है यहाँ पे नए वायरलेस ईयरफोन्स का, जो कि रिलीज कर दिया है एप्पल ने, जिसे कि आप अपने एप्पल के फोन्स के साथ एंड्रॉयड फोन पे भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मेन चीज़ होती है इंडिया में प्राइसिंग वगैरह, आखिर इसकी कितनी प्राइसिंग और किस प्राइस पे लॉन्च होगा। तो ये रिवील तो हो गया $149.99, यानी कि $149.99 के आसपास। तो 11,000-12,000 के आसपास अगर ये इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो हो सकता है, और इंडियन प्राइसिंग भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। वैसे तो ये कन्वर्टेड प्राइसिंग है, जब इंडिया में आता है तो चीज़ों पे टैक्स लगता है, तो 15,000 के अंदर ही है, 15,000 के आसपास आपको ओवरऑल ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप एक तरीके से कह सकते हैं बजट वायरलेस ईयरफोन्स के कैटेगरी में अच्छा अपना हाथ जमा सकता है, धमाल मचा सकता है। और लुक्स और डिज़ाइन में तो एकदम फ्रेश और लेटेस्ट लुक आजकल जो चल रहे हैं, और इसे आप कह सकते हैं दूसरे एयरफोन्स के अल्टरनेट भी हो सकता है, या फिर अगर आपके पास बजट उतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप बजट एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल का एयरपॉड्स होता है, वो तो थोड़ा शायद से इससे कॉस्टली होते हैं, नॉइज़ कैंसिलिंग और भी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो उससे कम रेंज में आपको एक अल्टरनेट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। सो गाइस, इतना ही कुछ का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम सुमित, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट पीस ऑफ टेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे, क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि सब्सक्राइब बिना किए ही आप निकल जाते हैं जहाँ भी आपको जाना रहता है। तो शेयर करते हुए जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री का है, लाल रंग का बटन है, पैसे नहीं लगते हैं, ज्वाइन बटन भी अपन ने नहीं दिया इसे, और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सुमित राइट नाउ साइनिंग अप फ्रॉम टेक केयर अकॉर्डिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।